होप दैट यू ऑल आर वेल। आज मेरी मामा बनाने वाली है चिकन ग्रेवी, जो कि बहुत ज़्यादा झटपट बन जाता है और आधे घंटे में तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। झटपट चिकन बनाने के लिए हमने इसमें कम से कम एक कप तेल डाली हूँ। अब दो तेज पत्ता डालेंगे, कटी हुई दो से तीन प्याज डाल रहे हैं, इसको हल्का ब्राउन करेंगे। ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसको 5 मिनट तक और भूनेंगे। हमारा ये अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच नमक जायके अनुसार, 1 चम्मच हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे। मसालों को पकाने के लिए इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। हम ढक के इसे अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, 2 टमाटर का हमने पेस्ट बनाया था, इसे हम डाल रहे हैं। इसे भी अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है, देखिए तेल छोड़ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे, ये चिकन हमारा 1 किलो है, ये चिकन हमारा 1 किलो, इसको हमने अच्छे से धो लिया है। ये बहुत जल्दी बनता है और झटपट बन जाता है। अब ये मसाले में हम चिकन डालेंगे, इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे अच्छे से भूनेंगे इसको। इसमें 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डाल रहे हैं, ऐसे ढक के पकाएंगे। अच्छे से ढक के मीडियम आंच पे पकाएंगे। ये चिकन हमारा भून रहा है, लेकिन अभी मैं इसको 15 से 20 मिनट तक और भूनूंगी और पकाऊंगी ताकि ये चिकन गल जाए। इसे ढक के धीमी आंच पे पकाना है। इसे हमारा चिकन रेडी हो गया है, देखिए कितने अच्छे से तेल छोड़ चुका है। अब इसमें हम थोड़ा से 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और आप पानी इसमें अपने हिसाब से, आपको कितनी ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा से पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, थोड़ा से इसे 5 मिनट तक ढक के और पकाएंगे, फिर इसको बंद कर देंगे गैस। ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है, अब इसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत जल्दी बनता है, ये झटपट तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत जायकेदार रहता है। मेरी मामा ने मुझे सर्व करके दे दिया, मैं टेस्ट करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा जायकेदार बना है और इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अलीज़ मॉम किचन। बाय।